हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी भाषा माधुरी भाग दो के पेज नंबर 6 पर लेसन नंबर 1 की कविता मेरे प्यारे अब मत सो खोल लीजिए और ध्यान पूर्वक आज की हिंदी की क्लास अटेंड कीजिए। बेटा, हमारी पिछली कक्षा में हमने कविता मेरे प्यारे अब मत सो कविता पढ़ी थी और उसके वर्ड मीनिंग सेंटेंस डिस्कस किए थे। उम्मीद है आप सबने कविता और वर्ड मीनिंग सेंटेंसेस की अच्छी तरह रिवीजन की होगी। आज हम उससे आगे का पार्ट या अभ्यास कंटिन्यू करेंगे। हमारा अगला पार्ट है पाठ ज्ञान कॉम्प्रिहेंशन। इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले मौखिक, मौखिक मींस ओरल, वर्बल। इसका पहला क्वेश्चन है, आप सवेरे कितने बजे जागते हैं? आप सवेरे कितने बजे जागते हो, पूछ रहे हैं कि आप सुबह कितने बजे उठते हो। बेटा, सब लोगों का उठने का टाइम अलग अलग होता है। कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है। तो हमने आंसर लिखा है, हम सवेरे 5 बजे जागते हैं। रिपीट कीजिए मेरे साथ, हम सवेरे 5 बजे जागते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, सवेरे जल्दी जागने से क्या क्या फायदे हैं? सवेरे जल्दी जागने से क्या क्या फायदे होते हैं? आंसर है, हमारे सब काम समय पर हो जाते हैं। बेटा, अगर हम टाइम पे उठेंगे तो हमारे सब काम टाइम टू टाइम खत्म होंगे, बट अगर हम लेट उठेंगे तो सभी काम लेट हो जाएंगे, कोई काम टाइम पे नहीं होगा। तो वो बता रहा है कि सवेरे जल्दी जागने से क्या क्या फायदे होते हैं। सवेरे जल्दी जागने से सब काम समय पर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इस कविता से आपने क्या सीखा? आपने ये कविता पढ़ी है ना, तो वो पूछ रहा है, इस कविता से आपने क्या सीखा? हमने सीखा, हमें आलस नहीं करना चाहिए, यानी कि अपनी लाइफ में हमेशा हमें काम करते रहना चाहिए, कभी भी लेजी नहीं होना चाहिए, हमेशा काम करते रहो और हमेशा इंस्पिरेशन लेकर, जैसे उगते हुए सूरज की, चहचहाती चिड़िया की, भंवरों की, ये सभी अपने अपने काम में लगे रहते हैं। इनकी उदाहरण देखिए, इनसे सीखिए कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है लिखित, यानी कि रिटर्न, जो हम लिखते हैं। उत्तर लिखिए, यानी कि आंसर लिखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, माँ किसको जगा रही है? माँ किसको जगा रही है? बेटा, हमने इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ी थी पोइम की, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। तो बेटा, इसमें वो किसको उठा रही है? अपने लाल को। तो आंसर है, माँ लाल यानी बेटे को जगा रही है। माँ लाल को बेटा भी बोलते हैं, तो इसीलिए हमने दोनों आंसर लिखे हैं, माँ लाल यानी कि अपने बेटे को जगा रही है। अगला क्वेश्चन, पेड़ों पर कौन चहक रही है? पेड़ों पर कौन चहक रही है, यानी कौन चहचहा रहा है, कौन चॉपिंग कर रहा है? इसका आंसर है, पेड़ों पर चिड़िया, चिड़िया नहीं, चिड़िया। बेटा, अगर हम चिड़िया बोलेंगे तो वो वन चिड़िया होगी, वन स्पैरो होगी, बट यहाँ पे ज्यादा चिड़िया है ना, मैनी मैनी स्पैरोज है, तो चिड़िया, पेड़ों पर चिड़िया चहक रही है। अगला क्वेश्चन, जल में किसकी छाया पड़ रही है? जल मीन वॉटर, छाया मीन शेडो, पर छाई। जल में किसकी शेडो पड़ रही है, वाटर में किसकी शेडो पड़ रही है? आंसर है, जल में सूरज की छाया पड़ रही है। रिपीट कीजिए मेरे साथ, जल में सूरज की छाया पड़ रही है। चलिए अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि सही शब्द चुनकर, रिक्त स्थान मीन खाली स्थान, फिलअप, और पूर्ति मीन्स भरिए, यानी कि सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए, फिलअप कीजिए। यहाँ पर हमें ऑप्शंस भी दी गई हैं, यही ऑप्शंस में से सही आंसर ढूंढ के हमने खाली स्थान में भरना है। हमारी ऑप्शन है, मुंह, सूरज, सुंदर, कमल दल के। अब हमारी पहली लाइन है, सुबह का समय डैश होता है, इसमें ढूंढकर सही ऑप्शन भरिए, कैसा होता है सुबह का समय बताओ, सूरज होता है या सुंदर होता है? आप सही ऑप्शन भरिए।
अगली लाइन है, अगली खाली स्थान है, जल में डैश की छाया है। जल में किसकी छाया है? देखिए, मुंह की है या सूरज की है या सुंदर की है? सही ऑप्शन चुनकर भरिए। माँ अपने लाल को डैश धोने को कह रही है। हमने कविता की पहले भी लाइन पढ़ी थी, पहली लाइन, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। माँ अपने लाल को क्या धोने को कह रही है, मुंह या कमल दल? आप इसमें से सही ऑप्शन ढूंढ के भरिए। भौंरे डैश ऊपर झूल रहे हैं। सही ऑप्शन ढूंढकर फिलअप में भरिए। उसके बाद बेटा हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कविता की पंक्तियां यानी कि लाइंस पूरी कीजिए। बेटा यहाँ पे कविता की कुछ लाइंस दी गई हैं, पर वो अधूरी हैं, इनकम्प्लीट हैं, तो ये हमने फिल करनी है। तो बेटा कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी ताकि आप खुद सॉल्व कर सको। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे कविता में से ही एक पैरा लिया है। आप देखिए, उठो लाल अब डैश, ये डैश में मैंने क्या फिल किया, आंखें खोलो, डैश मुंह धो लो, डैश में मैंने क्या भरा, पानी लाई हूं मुंह धो लो, बीती रात डैश कमल दल फूले, डैश भौंरे झूले, उनके ऊपर भौंरे झूले। देखो बेटा, मैंने कविता में से लाइंस ली हैं, बट मैंने यहाँ पे ब्लैंक्स डाल दिए, पर यहाँ पे ब्लैंक्स मैंने किसकी सहायता से फिल किए, कविता की सहायता से। मैंने कविता पढ़ी है, वहीं से देख के मैंने फिल की है। वैसे ही बेटा आप अपनी कविता की पंक्तियां कविता की सहायता से पूरी करेंगे। भोर हुआ डैश, डैश सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर डैश, डैश मत सो। उसके बाद बेटा हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान यानी ग्रामर, हमारा व्याकरण। इसमें हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखिए। मिलते जुलते शब्द यानी कि राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जिनका जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसका साउंड सेम होता है, उसकी आवाज सेम आती है, ये होते हैं राइमिंग वर्ड। बेटा ये आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखिए। यहाँ पे मैंने राइमिंग वर्ड्स लिए हैं। पहला राइमिंग वर्ड मैंने लिया लाल। लाल का राइमिंग वर्ड क्या बना, बाल। अब देखो ल और ल पीछे साउंड सेम है ना, लाल का बाल भी बना। और क्या बनाया मैंने, साल। और क्या बनाया, हाल। लाल का देखो सेम साउंड आ रहा ना, बाल साल हाल, पीछे का साउंड सेम है। हमारा नेक्स्ट वर्ड राइमिंग वर्ड मिलता जुलता शब्द फूल। फूल यानी कि फ्लावर। इसका हमने राइमिंग वर्ड क्या बनाया, फूल का भूल, धूल और झूल। पीछे देखिए साउंड सेम है, फूल भूल धूल झूल, देखिए सेम साउंड है। ऐसे ही बेटा आपने अपनी बुक में से शब्द मिलते जुलते शब्द भी कंप्लीट करने हैं पोएम की सहायता से। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए शब्दों को सही करके लिखिए, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग लिखिए। यहाँ पे बेटा स्पेलिंग में मिस्टेक्स हैं, हमने वो स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक करनी है। तो बेटा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये करेक्ट स्पेलिंग करने सिखाऊंगी, हम समझेंगे कि कैसे ठीक करनी है। देखिए मैंने पहला वर्ड लिखा है भौर, भौर। भौर नहीं होता, भोर होता है, भोर। सही वर्ड है भोर, यानी कि सुबह, यानी कि मॉर्निंग। तो भौर वर्ड गलत हुआ, यहाँ पे मैंने ओ की आवाज निकाली है, जबकि ओ की आवाज नहीं आएगी, आवाज आएगी ओ। भौर का भोर, सही स्पेलिंग ये भौर गलत है, सही स्पेलिंग क्या है, भोर। हमारा अगला स्पेलिंग फूले, फूले। फूले नहीं होता, फूले। अब देखिए यहाँ पे ऊ की मिस्टेक है, ऊ का साउंड गलत आ रहा है, यहाँ पे मैंने छोटा ऊ डाला, यहाँ पे मैंने बड़ा ऊ डाल दिया है। हमारा सही प्रोनाउंसिएशन, सही आवाज कौन सी है, फूले ना कि फूले। अब बेटा इसकी सहायता से आपने अपनी बुक में से सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट करने है आपकी पोइम की सहायता से। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर थर्ड, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची बच्चे क्या होते हैं, जिनका सेम मीनिंग होता है, समान अर्थ होता है, सेम मीनिंग होता है, उनको पर्यायवाची कहते हैं। बेटा एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पर्यायवाची समझाऊंगी।
हमारी पहली एग्जाम्पल है, पहला वर्ड है माँ। बेटा माँ को अम्मा भी बोलते हैं, माता भी बोलते हैं और जननी भी बोलते हैं। जननी कौन होती है? जन्म देने वाली। तो माँ का एक नाम अम्मा भी है, माता भी है, जननी भी है। मदर यानी कि मदर को अम्मा भी बोलते हैं, माता, यहाँ पे सेम मीनिंग है ना सबके, देखो। तो ये क्या है, इसके माँ के पर्यायवाची कौन से है? अम्मा, माता, जननी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है घर, होम। होम को सदन भी बोलते हैं, भवन भी बोलते हैं और गृह भी बोलते हैं। गृह, ग के पैर मेरी और ह गृह यानी कि होम। अब देखिए ये सारे मीनिंग घर के ही हैं, ठीक है। होम को सदन भी बोलते हैं, भवन, गृह, ये सब बोलते हैं। अब बेटा आपने इन पर्यायवाची एग्जांपल्स की सहायता से, इनकी हेल्प लेके आपकी बुक पे जो पर्यायवाची है इनको करना है। अब हम इनको एक बार डिस्कस करेंगे। हमारा पहला पर्यायवाची है नभ। नभ मीन्स स्काई, नभ और नभ, स्काई आसमान। नभ को आसमान भी बोलते हैं और आकाश भी बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं, है ना। तो अब हमारा सेकंड वर्ड है पानी यानी कि वाटर। पानी को जल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? नीर। ये सारे पानी के पर्यायवाची हैं। अगले वर्ड पे आते हैं सूरज यानी कि सन, जो हमें रोशनी देता है, जिसके आने से सवेरा होता है। सूरज को सूर्य भी कहते हैं और क्या कहते हैं? रवि। क्या कहते हैं? रवि। तो सूरज के पर्यायवाची कौन से हैं? सूर्य और रवि। दिनकर भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेड़ यानी कि ट्री। पेड़ को वृक्ष भी बोलते हैं, व के पैर मेरी, क्षत्रिय, वृक्ष, और क्या बोलते हैं? तरु। और पादप भी बोलते हैं और विटप भी बोलते हैं। तो बेटा पेड़ का पर्यायवाची यानी कि सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा हुआ? वृक्ष और तरु। तो प्यारे बच्चों, आज हमने लेसन नंबर 1 कविता मेरे प्यारे अब मत सो की अभ्यास पाठ के मौखिक लिखित क्वेश्चन, रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते शब्द यानी कि राइमिंग वर्ड, शब्दों को सही करके लिखिए इनके करेक्ट स्पेलिंग, और नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची यानी कि सेम मीनिंग, ये सभी आज हमने डिस्कस किए। तो प्यारे बच्चों, अब आपने इस लेसन की अच्छी तरह रीडिंग करनी है, पोइम को अच्छी तरह पढ़ना है और सभी एक्सरसाइजेस को दी गई एग्जांपल्स की हेल्प से, जो एग्जांपल्स मैंने आपको समझाई है उसकी हेल्प से आपने सभी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है और उसकी अच्छी तरह रिवीजन करनी है। अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।